गुरुग्राम दशहरा मेला एंड गुरुग्राम ट्रेड फेयर, कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा लुक वगैरह। और ये है अपना सेक्टर 5 के पास में पूरा ग्राउंड है, अभी हम चलते हैं इसके अंदर। और ये 1 अक्टूबर से लगा हुआ है और 26 अक्टूबर तक चलने वाला है। ठीक है, टिकट वगैरह आपको लेनी पड़ेगी इसके लिए, टिकट के बाद ही इसके अंदर जो है एंट्री होएगी। और टिकट कुछ इस टाइप से आप टिकट वगैरह ले सकते हो। देखते हैं इसके अंदर क्या सीन है, शाम का टाइम है, देखते हैं। टिकट जो है आपको 50 रुपये टिकट के लेने पड़ेंगे। गेट से मिलेगी, टिकट लेने के बाद में आपको एंट्री करनी है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों टिकट एंट्री यहाँ पे आपको अवेलेबल है। कुछ इस टाइप से आपको मेला देखने को मिलेगा, हर साल लगता है अपना ये दशहरा मेला और क्राफ्ट मेला है। देखते हैं अंदर क्या कुछ सीन है, काफ़ी लंबा चौड़ी कहानी देखने को मिल रही है यहाँ पर। बाहर पार्किंग वगैरह आपको देखने को मिलेगी और ये सेक्टर 5 के पास में ही है, रेलवे स्टेशन के रोड के ऊपर। और काफ़ी बड़ा मेला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंट्री कर गए हैं मेले के अंदर और सबसे पहले गणेश जी माता जी, नवरात्रा का स्टार्ट है ही। और यहाँ से अपना क्राफ्ट मेला और लग जाता है। देखिए यहाँ पे सामान वगैरह, छोटे मोटे सारे सामान देखने को मिल जाएंगे आपको। और ये है कुछ फ़ोटोशूट वगैरह 360 डिग्री रोटेशन वाला, आजकल ये बड़ा ट्रेंडिंग में चलता है। और इधर बात करें, इधर ये सेल चलती रहती है, इधर ये फुटबॉल खेलने के लिए और है, अभी इधर सेल चल रही है 20 रुपये में हर माल। गुड़गांव के अंदर अगर ऐसे मेले वगैरह हो ना, यहाँ पे काफ़ी सस्ती चीज़ें मिलती हैं। देख रहे, देखिए यहाँ पे हर माल 20 रुपये का आपको ऐसे देखने को मिलेगा। और इधर जो है वॉलेट वगैरह, पर्स वगैरह, बैग वगैरह, बेल्ट वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। और मैंने आपको दिखाई दी, इधर देखो ये टॉयज वगैरह है, ये टॉयज है। और इधर चलते हैं तो इधर आप देखोगे तो ये है बेलपुड़ी। और अपना इधर देखो ये है भैया अपना देसी चीज़ें जो घर पर बनाई जाती है, दूसरे दिए वगैरह कप वगैरह ये है। ये देखिए आप इधर जो देखोगे ना आपको, ये पूरा अपना गुड़गांव का मेला देख रहे हो आप। यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, इधर देखते हैं आपको, इधर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पान सेंटर आपको देखने को मिलेगा। एग्जिट है, अच्छा एग्जिट आ गया इधर, तो उधर से घूमते हुए आते हैं, काफ़ी चीज़ें आपको दिखाते हुए लाता हूँ मैं। ठीक है, कंफ्यूजन है कहाँ से चलें कहाँ से घूम। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप ये सब चीज़ें हैं, ये सस्ते वाला माल है। ठीक है, इसको अवॉइड ही करना चाहिए, ये ठीक है बच्चों के लिए खेलने के लिए, और ये चीज़ें बढ़िया अपनी देखने को मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये मोस्टर वगैरह है, और ये मोस्टर वगैरह, रिमोट वगैरह, और ये ऐसे कुछ खेलने के लिए चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। बहुत बढ़िया क्राउड आता है यहाँ पे, क्या होता है ये मेला लगता है, फिर एक जो है अपना वो आता है ना कपड़ों का, और का जैसे तिब्बत मार्केट लगता है, वो भी लगता है, वो भी काफ़ी भयंकर भीड़ वगैरह उसमें रहती है, तो उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा। गुड़गांव के अंदर तिब्बत मार्केट बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये बच्चों के लिए कलरिंग बुक वगैरह आपको देखने को मिलेगी, देख रहे हो कलर वगैरह बुक। इधर ये बच्चों के मनोरंजन का गेम है, पैसे लुटाने वाला काम है, कुछ नहीं है। ठीक है, सब लकी ड्रॉ फर्जी है। और इधर देखते हैं हम, इधर ये चीज़ें हैं बच्चों के खेलने के लिए। और देखते हैं ना रसोई, छोटा तंदूर, ये कुछ छोटा तंदूर टाइप का कुछ होगा पता नहीं, ये कुछ ऐसा है, ये है इधर मेडिकल टॉवल लेवल तक का स्पोर्ट्स बाथ मेकअप, ये सारी चीज़ें आते हैं यहाँ पर, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। चीज़ें हैं इधर, कपड़े वगैरह हैं इधर, आपने ये चदर वगैरह है 50 रुपये में सूट, इधर शूटिंग वगैरह भी करवाते हैं। ठीक है,
उधर देखोगे आप तो इधर ये सारे सामान आइटम वॉशिंग वगैरह की और है, ये अचार वगैरह है, तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ क्राफ्ट मेरा, और आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। पूरा तो मैं कैसे दिखाऊंगा, मुश्किल है दिखाना। देख रहे हो आप ये फ्रूट्स वगैरह के फ्रूट जोन है, इधर इधर देखो ये सब चीज़ें हैं। आगे एक सूरज कुंड मेला भी लगता है अपना फरीदाबाद में, वो भी बहुत गजब का होता है। चावल बनाइए, दाल बनाइए, जो आपकी इच्छा वो बनाइए। मिट्टी के बने हुए सारे जी। ये देखो थोड़ा कॉस्टली चीज़ें मिलती है। आपको चीज़ें देखने को मिलेगी इधर, जो एक्यूप्रेशर वगैरह सेट वगैरह आपको देखने को मिलेगा। ये आराम से ऐसे रिलैक्स वगैरह कर सकते हो आप, और इधर जो है अपना खाने पीने का जुगाड़ में इधर नेल आर्ट वगैरह आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छा बड़ा मेला लगा हुआ है, ठीक है, देख रहे हो। और ये गुड़गांव में हर साल लगता है अपना, इधर देखोगे आप इधर कप वगैरह इधर जो है ये सब मिल जाएगा, इधर खाने पीने का जो भी है। ये देखो आपको इधर मैं दिखाता हूँ आपको, ये कप वगैरह देखो कितने बड़े बड़े कप आपको देखने को मिलेंगे, कप वगैरह बोतल वगैरह काफ़ी चीज़ें सामने देख रहे हो आप। इसके अंदर कुछ अलग अलग डिजाइन के कप देखोगे ना आपको, कुछ अलग अलग डिजाइन के अलग अलग कलर के कप आपको देखने को मिलेंगे। जैसे और इधर जो आप ये सारा पूरा खाने पीने का है अपना, जो भी सामान वगैरह लेना है, कुछ खाना पीना करना है, आइसक्रीम वगैरह खानी है, पिज़्ज़ा कॉर्नर बूटा अमेरिकन बूटा, भाई अमेरिका से बूटा चल के आया है स्पेशल यहाँ पे। ये है गुड़गांव का क्राफ्ट मेला, और जैसे पहला दशहरे तक रहेगा, 26 अक्टूबर लास्ट है। ये कुछ ट्रेन वगैरह चलती है और चलती है ये जिंदो चिकन की जो है, ठीक है। ये है इधर कुछ डांस वगैरह के लिए फुल टाइम डांस, इधर जाएंगे तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये इधर है देख रहे हो आप, इधर जो अपना वो लगता है नींबू पानी, ये देखो इधर पानी में बच्चे आराम से खेल सकते हैं, देख रहे हो आप। देखो ऊपर इधर जो ये ट्रेन चलती है ये देखो कितना बड़ा है, मुझे तो आज तक इससे डरना नहीं गया, डर लगता है ये जितने भी है ना सब पे, मुझे मतलब ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही होगा, कभी चढ़ाई नहीं मैं आज तक इस पर। और इधर जो है अपना ये टॉयज वगैरह के ये सारा, मैं तो बोलता हूँ एक बार विजिट करो, जूती वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, देख लो जूती वगैरह आपको यहाँ पे मिलेगी। इधर सारा है ही ये बात का सबसे बड़ा वन मात्र एसी मोबाइल, अच्छा इधर आप स्पेशल 12D मूवीज का आनंद ले सकते हैं, मूवी वगैरह कुछ दिखाते हैं इधर, ठीक है कुछ नहीं, ये सब फर्जी है। ये ट्रेन वगैरह है, चलिए आपको मैं उधर लेके चलता हूँ जहाँ पे जब पता नहीं कैसे इसके अंदर बैठ पाते हैं लोग, देख रहे हो बहुत ही वजह से चलता है। जैसे ये है ये तो फिर एक्सक्यूज में उधर तो जाने की जगह नहीं है भैया, देख रहे हो आप ये तो फिर भी मेरे ये भी बहुत ही चलता है, सब जाने लग जाता है। ये देखो आप ये अभी धीरे धीरे चल रहा है, फिर ये तेज हो जाता है जाना, तो इसमें जो बैठते हैं उन्हीं को पता है क्या लगता है, मुझे नहीं पता, मैं तो आज तक नहीं बैठा इसमें। ये देखो इतना ऊपर ऐसे जाता है, ऐसा अजीब सा लगता है, ऐसे इधर की कहानियाँ हैं। ये ट्रेन वगैरह चलती है, ये अपना कितना बड़ा झूला है, कितना बड़ा झूला है ये, ये था सारा मैंने आपको दिखा दिया गुड़गांव का दशहरा मेला क्राफ्ट मेला जो लगता है, आप एक बार विजिट कर सकते हो, 50 रुपये पर पर्सन टिकट है, इंटरटेनमेंट के लिए और अच्छी जगह है, आप जो यहाँ पे आ सकते हो विजिट कर सकते हो। तो इधर अपना जो है ये झूले बचपन है जो ये लगा रखे हैं इधर, और इधर ये ट्रेन है भाई, इस पर भी डर लगता है, पता नहीं कैसे लोग ऐसे बैठ पाते हैं, मुझे तो डर लगता है इस पर, देख रहे चक्कर से आने लग जाते हैं।
और कुछ इस तरह से यहाँ पे अंदर ये इसके ऊपर बैठते हैं, ये भी एक नकली, इसको पकड़ के रखना पड़ता है। और ये वाला इधर भूत बंगला भी आजकल बनाने लगे, पता नहीं क्या होता है अंदर, मैं कभी गया नहीं हूँ अंदर। इधर से इधर स्लाइडिंग करते हैं और करते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा गुड़गांव का दशहरा मेला और क्राफ्ट मेला, इससे मैंने आपको एक एक चीज़ दिखा दी है, झूले वगैरह सारा कुछ दिखा दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इधर से आप जो इसको एग्जिट कर सकते हो और इधर जो आप आइटम वगैरह जो ये लालटेन वगैरह भी ले सकते हो। तो इधर आप एग्जिट करोगे 50 रुपये फीस है, आप विजिट करोगे 50 रुपये लगेंगे, देख लेना। और बढ़िया जगह है एंटरटेन करने के लिए, वीकेंड वगैरह के लिए, शाम के टाइम पे घंटे दो घंटे बिताने के लिए बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जगह है, आपको देखने मिल जाएगी। पार्किंग वगैरह है, अंदर है पार्किंग बट अंदर पार्किंग में बहुत भीड़ रहती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।